सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो क्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी जो अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति है उससे दो पुत्रों का जन्म होता है। बड़े पुत्र का नाम है ज्ञान और छोटे पुत्र का नाम है वैराग्य। धन्य ज्ञान। स्वामी जी ज्ञान के भी दो विशेषण दिए हैं भक्ति के पुत्र ज्ञान के। ज्ञान भी अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य के भी दो विशेषण हैं अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य। देखिए वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य। बहुत ध्यान से सुने, ज्ञान में भी यदि हेतु होगा ना तो उस ज्ञान से अविद्या का क्षय नहीं होगा, अज्ञान का क्षय नहीं होगा। ध्यान में आई बात। आप व्याकरण न्याय वेदांत इन तीनों विषयों को पढ़ते हैं। व्याकरण न्याय के बिना वेदांत में गति नहीं होगी, पर आपने व्याकरण न्याय वेदांत इसलिए पढ़ा है कि हम अच्छे वक्ता बन जाएं अथवा किसी शिक्षण संस्थान में वेदांत विभागाध्यक्ष बन जाएं, किसी विश्वविद्यालय में वेदांत विभाग के प्रवक्ता बन जाएं, तो आपका वह ज्ञानार्जन सहेतुक हो गया। सहेतुक होने से पेट तो भर जाएगा उस ज्ञान से, पर उससे अज्ञान का नाश नहीं होगा, उससे अविद्या का क्षय नहीं होगा। और जो ज्ञान सहेतुक होगा उसमें बाधा पड़ेगी। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, हिमाचल प्रदेश की बात है महाराज जी, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय उन्होंने लिया था, केवल गीता का आश्रय। नारायण, केवल गीता का आश्रय लेकर के वे साधन में लगे और परब्रह्म की अपरोक्षानुभूति को उन्होंने प्राप्त किया। जीवन मुक्त महापुरुष थे। नाम मैं भूल रहा हूं, रमणेती वाले महाराज जी ने उनका नाम बताया था, नाम मुझे विस्मृत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में विराजते थे। तो एक बड़े विद्वान महापुरुष थे स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े अच्छे विद्वान थे। उनकी विरक्तों की मंडली चलती थी और उनकी मंडली में वेदांत के सर्वोच्च ग्रंथ वे ऐसे पढ़ाते थे जैसे पंडितों को सत्यनारायण व्रत कथा याद रहती, ऐसे पढ़ाते थे वो। उनके यहाँ तप और स्वाध्याय में सभी सन्यासी प्रवृत्त रहते थे। अपने समय के भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान थे वो। तो उनकी विरक्तों की मंडली हिमाचल प्रदेश में उन संत के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने सबका आदर किया, सबको वहाँ निवास मिला। तो उन महापुरुष ने देखा, कृष्णानंद जी ने, कि ये इनकी अवस्था बहुत ऊंची है। माने गीता में जो जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण कहे गए हैं, गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे गए हैं, तत्वज्ञ महापुरुष के लक्षण कहे गए हैं, वे सारे लक्षण में दिख रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा ज्यादा पढ़े लिखे तो समझ में नहीं आते, कि ज्यादा न्याय व्याकरण वेदांत पढ़ा हुआ ऐसा तो नहीं लगते। तो इनकी यह ब्राह्मी स्थिति इनको कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको यह ऊंची अवस्था कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि अरे क्या स्वामी जी, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, हम क्या आपको बताएं? नहीं नहीं महाराज, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि क्या जिज्ञासु बनकर पूछ रहे हो कि हमारी
ज्ञान की थाह लेने के लिए पूछ रहे हो। यदि हमारी बुद्धि और शास्त्र ज्ञान की थाह लेने को पूछ रहे हो तो हम आपके समक्ष निरक्षर भट्टाचार्य हैं, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। और यदि जिज्ञासु बन के पूछ रहे हो तो मैं उत्तर दूं। कहां, हम जिज्ञासु बनकर पूछ रहे हैं। भारतवर्ष का इतना बड़ा वेदांत विषय का प्रकांड पंडित मेरे जैसे अनपढ़ से जिज्ञासु बनकर पूछ रहा, बोले हाँ पूछ रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं, आप बताइए। तो महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने सीधे ही नाम लेकर कहा, कृष्णानंद, श्री और जी और उपाधि कुछ नहीं लगाई, सीधे ही कहा कृष्णानंद एक बात हम तुमसे पूछते हैं, तुम जिज्ञासु बनकर पूछ रहे हो ना, जिस समय तुमने वेदांत विषय पढ़ना आरंभ किया उससे तुम्हारे चित्त की वासना क्या थी, ईमानदारी से बताना। बोले मेरी वासना ये थी कि मैंने विधिवत व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, और वेदांत पढ़कर मैं भारतवर्ष के वेदांत विषय के प्रतिष्ठित विद्वानों में मेरा नाम हो, ये वासना थी, और मैं जीवन भर वेदांत पढ़ूं पढ़ाऊं। तो बोले उस प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं हुई, बोले हाँ उसकी तो खूब हो रही है, पर अभी भी देहाध्यास का नाश नहीं हुआ, आत्मस्वरूप में स्थिति नहीं हुई, आपको कैसे हो गई। बोले कृष्णानंद जी, जब हमने घर छोड़ा सन्यासी बने तो थोड़ा संस्कृत में प्रवेश मात्र के लिए कुछ पढ़ लिया और केवल गीता जी को पढ़ा, और गीता जी को इसी उद्देश्य को लेकर पढ़ा कि शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो, भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति हो। तो जिस भाव को लेकर के हमने पढ़ा वो भगवत कृपा से गीता जी ने हमको प्रदान कर दिया। महाराज जी, छोटे से छोटा ग्रंथ, छोटे से छोटा साधन आपको पूर्ण आत्मस्थिति प्रदान कर सकता है, किंतु उस साधन के पहले आपकी वृत्ति क्या है ये टटोल के देखना पड़ेगा। हम भागवत रामायण की कथा बोल रहे हैं, पर इस कथा को बोलकर यदि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम आपको प्रभावित करें और आपसे कुछ धन बटोर करके ले जाएं तो उस प्रयोजन की सिद्धि तो हो जाएगी, पर हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य का अभाव बना रहेगा, हमारा जीवन भी बहुत पवित्र नहीं बन पाएगा। यदि इन पवित्र ग्रंथों को कह सुन करके भी हमारा उद्देश्य भगवत चरणारविंद में प्रेम की प्राप्ति का नहीं है तो इसी तरह से वैराग्य है, वैराग्य में भी हेतु नहीं चाहिए, हेतु माने कामना। महाराज जी हमें पूर्ण वैराग्य हो गया संसार से, अब तो हमको जल्दी से साधु सन्यासी बना दीजिए, महात्मा सरल होते हैं, चलो बच्चा कुछ दिन रहो पास में, ब्रह्मचारी रूप में रहो, बाद में देखेंगे, देख लिया चलो सन्यासी बना दिया, महात्मा बना दिया। अब वो वैराग्य कोई वैसे नहीं हुआ था, वो तो घर में असुविधा थी, बढ़िया निवास नहीं था, बढ़िया भोजन नहीं था, कपड़ा नहीं था, यहाँ बहुत अच्छा है, इसको बढ़िया सुंदर मिल रहा है, और हो सकता कुछ दिन सेवा करते करते गुरुजी कहें चलो तुम ही चद्दर ओढ़ लो, तुम ही मठाधीश बन जाओ, तुम्हारा ही पट्टा भी सेक हो जाए। तो अब यदि ये वासना भीतर से है कि हम साधु बन जाएंगे तो हमको मठ मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, हमारी मान बड़ाई प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो भैया विरक्त होने के बाद ये सब चीज तो मिल जाएगी, लेकिन उस वैराग्य से आपका कोई कल्याण होगा नहीं, वैराग्य में भी हेतु नहीं, संसार का हेतु नहीं। और ऐसा जो अहेतुक वैराग्य है वो वैराग्य चाहे जिस परिस्थिति में आप रह जाइए वो वैराग्य आपका कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा, आपका वैराग्य सदा सर्वदा एक जैसा रहेगा। अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, जिससे भगवान में प्रेम हो जाए उसी को परम धर्म कहते हैं। ऐसी परम धर्म स्वरूपा जो भक्ति है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, उससे अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य प्रकट होता है,
और फिर मरने के बाद मुक्ति नहीं, ये प्राप्त होते ही जीवन मुक्ति हो जाती है, जीते जी मुक्ति हो जाती है।